हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में एमए फाइनल के इंडियन ज्योग्राफी में भारत की व्यापारिक नकदी फसलें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, विगत क्लास में अपन ने जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का, बाजरा, जो इसके बारे में अपने अध्ययन किया है। आज की क्लास में भारत की जो व्यापारिक नकदी फसलें हैं जिनमें कपास है, गन्ना है, चाय, कॉफ़ी, रबर, इनमें से कपास की जो फसल है, भारत में कपास की फसल का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, भौगोलिक दशाएं क्या है, कौन से तरह की कपास की कृषि की जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो कपास की फसल है, कपास का जन्म स्थान यानी कि भारत में माना गया है। ऐसा माना गया है कि ऋग्वेद काल एवं मनुस्मृति के अनुसार ऋग्वेद काल और मनुस्मृति के अनुसार भारत में आज से लगभग 5000 से 8000 वर्ष पूर्व भी कपास की कृषि की जाती थी। सूती वस्त्रों के प्रयोग के यानी कि प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीन काल में ऋग्वेद मनुस्मृति के प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि कपास का जो मूल स्थान है वो भारत में है, और प्राचीन समय से भी भारतीय लोग हैं वो सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, इसके भी प्रमाण मिले हैं। और यूनानी विद्वान थे हेरोडोट्स एवं मार्को पोलो ने ये सिद्ध किया कि भारत के अंदर यानी कि कपास की कृषि के प्रमाण मिले हैं। मार्को पोलो और हेरोडेट्स के अभिलेखों से ये प्रमाणित हुआ है कि भारत में प्राचीन समय में सूती वस्त्रों का प्रयोग होता था। इसका मतलब है कि कपास का जन्म स्थान भारत में है। कपास एक उपोष्ण और या उष्णकटिबंधीय फसल है, और इसकी कृषि है वो खरीफ की फसल के तौर पर की जाती है। इसकी कृषि की जाती है, यानी ये जून जुलाई के अंदर इसको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाता है। कपास की कृषि के ज़्यादातर यानी कि वर्षा आधारित होती है, लेकिन जहाँ वर्षा नियमितता नहीं होती है तो इसके लिए सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। कपास की कृषि के लिए तापमान है वो 21 से 25 डिग्री सेल्सियस सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस तक भी कपास का उत्पादन किया जा सकता है। यानी कपास की फसल है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकती है। धूप और साफ आकाश इसके लिए सबसे बेहतर मौसम माने जाते हैं। वर्षा इसके लिए 50 से 100 सेमी की आवश्यकता होती है। वर्षा कितनी चाहिए? 50 से 100 सेमी। मिट्टी है, जैसे भारत की दृष्टि से देखें तो उत्तर भारत में जो कशारी मिट्टी है जो कपास की कृषि के लिए उपजाऊ मानी गई है, जबकि दक्षिणी भारत के अंदर जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे काली मिट्टी है वो भी कपास की कृषि के लिए सबसे बेहतर उपजाऊ मानी गई है। इस काली मिट्टी को रेगर मृदा भी कहते हैं या इसको शवतय जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। शवतय जुताई वाली या इसको दक्कन ट्रैप। तो इस प्रकार की दक्कन ट्रैप संयम जुताई वाली जो काली मिट्टी है, इसमें क्या होता है, नमी है वो लंबे समय तक बनी रहती है,
और कपास की कृषि के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अब कपास की कृषि के लिए जो धरातल है वो समतल और पानी का समुचित प्रवाह होना चाहिए, यानी जल है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अधिक जल इकट्ठा है वो कपास की कृषि के लिए हानिकारक है, तो समुचित जल प्रवाह भी होना चाहिए। श्रम क्या है कि कपास के अंदर डोडिये लगते हैं, उसके जो बीज होते हैं जिसको बिनोला कहते हैं, तो बिनोला को लगाने के लिए, सिंचाई करने के लिए और रूही को इकट्ठा करने के लिए ज़्यादातर सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कपास की कृषि के लिए श्रम शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या अधिक है और पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक उपलब्ध है, जिससे कृषि होती है। और 200 इनके लिए खासियत है कि कपास की कृषि के लिए 200 दिन पाला रहित होना जरूरी है, क्योंकि जब भी पाला पड़ता है तब कपास के खिले हुए जो रुई होती है वो रुई यानी कि उसकी लुगदी बन जाती है और इससे कपास की रुई का यानी विकास नहीं होता है, उनके जो डोडिये लगते हैं कपास के उनका विकास रुक जाता है। तो इसके लिए साफ आकाश और धूप रहित यानी कि जो मौसम है वो सबसे यानी बेहतर माना जाता है, इससे कपास की फसल अच्छी होती है। अब कपास का उत्पादन भारत में देखें तो देखो भारत का जो कपास का उत्पादन है, कपास तीन तरह की होती है। एक होती है लंबे रेशे वाली को अमेरिकन कपास कहते हैं, क्योंकि मित्रों लंबे रेशे वाली जो कपास है इसमें रेशा 4 से 6 सेमी होता है और इसका उत्पादन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र में उत्पादन होता है, जिसको DPA कपास के नाम से भी जाना जाता है। जो जलवायु समुद्री जलवायु इसके लिए सबसे बेहतर यानी कि जलवायु होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र की नील नदी क्षेत्रों के अंदर, नील घाटी के अंदर लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन है वो चीन करता है, लेकिन चीन है वो निम्न गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन करता है तो सबसे यानी कि लंबे रेशे वाली कपास जिसका रेशा 4 से 6 सेमी होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र में होता है, इसे अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। भारत में लंबे रेशे वाली जो उच्च क्वालिटी की जो कपास है अमेरिकन कपास, ये पंजाब में उत्पादित होती है, पंजाब और हरियाणा के अंदर, यहाँ जो पंजाब है राजस्थान के और पंजाब में, यहाँ लंबे रेशे वाली या यूँ कहे अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। राजस्थान में भी जो हनुमानगढ़ ज़िला है वहाँ कपास का उत्पादन होता है, अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। और इसके अलावा तमिलनाडु में भी उच्च गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन होता है, लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन तमिलनाडु में भी होता है। नेक्स्ट जो मध्यम रेशे में रेशा 2.5 से 4 सेमी के मध्य होता है और विश्व में ये इसका उत्पादन भी अधिक होता है। और फिर है निम्न रेशे वाली मतलब रेशा 2.5 सेमी से कम होता है और भारत में अधिकांश निम्न रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन है वो गुजरात में होता है, गुजरात का ये जो काठियावाड़ उत्तरी गुजरात का क्षेत्र है, अहमदाबाद का, बड़ौदा का, ये जो क्षेत्र है इसमें कपास का उत्पादन अधिक होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिल करके 60% भारत में कपास का उत्पादन करते हैं, कितने 60%। और तमिलनाडु में भी होता है, तो ज़्यादातर कपास का उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान की जो प्रायद्वीप
हाड़ौती का पठार है, यहाँ पर कपास की कृषि होती है। मध्य इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना के अंदर और तमिलनाडु के अंदर कपास का उत्पादन होता है। तो ज़्यादातर ये चार राज्य मिलकर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी कितने टोटल भारत की 60% कपास का उत्पादन करते हैं, 60% कपास का उत्पादन करते हैं, जिसमें गुजरात है। तो गुजरात के अंदर कपास का उत्पादन है, जिसमें बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत और भरूच, साबरमती, पंचमहल, सुरेंद्र नगर जिले आदि उत्पादित जिले हैं, और ये लगभग 70% कपास का उत्पादन करते हैं। गुजरात कपास उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है और देश की लगभग 34.9% कपास का उत्पादित करता है। दूसरा जो महाराष्ट्र है, जो 20.45% कपास उत्पादन कर दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में भी लंबे रेशे वाली कपास उगाई जाती है। यहाँ की जो लावायुक्त काली मिट्टी है महाराष्ट्र की, वो कपास की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। और महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, नांदेड़, जलगांव, बुलढाणा आदि जिलों के अंदर कपास का उत्पादन होता है, लेकिन प्रति हेक्टर सबसे कम होता है। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जो अभी इससे तेलंगाना अलग हो गया है, तो आंध्र प्रदेश पहले तीसरा प्रमुख उत्पादक, कपास उत्पादक राज्य था, जो टोटल देश की 13.92% कपास का उत्पादन करता था। यहाँ आंध्र प्रदेश के अंदर कपास की कृषि है वो कृष्णा नदी घाटी में की जाती है, और यहाँ के गंटूर, अवंतपुर, कर्नूल, कृष्णा आदि जिले जो प्रमुख कपास उत्पादक है। दूसरे जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो तमिलनाडु में भी भारत की 5% कपास का उत्पादन होता है, यानी लंबे रेशे वाली और उच्च गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन होता है। तमिलनाडु के मदुरई, कोयम्बतूर, तिरुचिरापल्ली, सलेम, तंजावुर आदि जिले हैं जो कपास का प्रमुख उत्पादित करते हैं, यानी ज़्यादातर उच्च गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन करते हैं। और कोयम्बतूर जो दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर भी कहलाता है, जहाँ सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। तो इस प्रकार अन्य जो उत्पादन जिले हैं, जैसे कर्नाटक, तो कर्नाटक के अंदर भी कर्नाटक के अंदर भी कपास की कृषि होती है। कर्नाटक के अंदर दो क्षेत्र है, एक है काली मिट्टी के क्षेत्र, काली मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी के क्षेत्र को कर्नाटक में क्या कहते हैं, सिलहट्टी। काली मिट्टी के क्षेत्र को कर्नाटक में सिलहट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का जो कपास उत्पादन क्षेत्र है उसको सिलहट्टी कहते हैं। और दूसरा है लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है, लाल मिट्टी कपास उत्पादन क्षेत्र जो कर्नाटक के अंदर है, उसको दोड़हट्टी के नाम से जाना जाता है, दोड़हट्टी। तो कर्नाटक के अंदर कपास उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र है, काली मिट्टी उत्पादन क्षेत्र जिसको सिलहट्टी कहते हैं, लाल मिट्टी उत्पादन क्षेत्र जिसको दोड़हट्टी कहते हैं। और कर्नाटक के जो चिकमंगलूर जिला है, तुमकुर है और चित्रदुर्ग है, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है जो राज्य की लगभग 30% कपास का उत्पादन करता है। राज्य की, और यहाँ अमेरिकन कपास भी बोई जाती है। पंजाब और हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर क्या है कि एक तो उपजाऊ मिट्टी एवं सिंचाई की सुविधा होने के कारण, उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई की सुविधा होने के कारण पंजाब के अंदर कपास की कृषि की जाती है, लंबे रेशे वाली और अमेरिकन कपास की कृषि की जाती है। हरियाणा है,
कपास पंजाब के अंदर जो फिरोजपुर ज़िला है, फिरोजपुर वहाँ पे कपास की कृषि सर्वाधिक होती है। हरियाणा भी उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई सुविधा होने के कारण हरियाणा का सिरसा हरियाणा का सिरसा ज़िला है जो कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो हरियाणा में और पंजाब के अंदर सिंचाई की सुविधा और उपजाऊ मिट्टी समतल भाग होने के कारण कपास की कृषि की जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ भी कपास की कृषि की जाती है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है जिसमें काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, और मध्य प्रदेश के इस काली मिट्टी क्षेत्र के अंदर कपास की कृषि की जाती है। इनके अलावा अन्य जो जैसे ज़िले हैं, अन्य मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी घाटी या मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी या मालवा के पठार में लगभग राज्य की 80% कपास का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा दूसरे राज्य जैसे केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, असम, बिहार में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। अब एक नवीन कपास की कृषि के अंदर एक कीट लगता है, उन कीटनाशकों को बचाव करने के लिए बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन क्या होती है? ये एक जीएम फसल होती है। जीएम फसल का मतलब है जेनेटिक्स मॉडिफाइड फसल। इस जीएम जो जेनेटिक्स मॉडिफाइड फसल है, इसके अंतर्गत कपास पर लगने वाले डोडा कीट, जो बॉल वार्म है, डोडा कीट को मारने में सक्षम विष उत्पादक बैक्टीरिया जिसे बेसिलस थोरे जियनसिस कहते हैं, यानी डोडा कीट पर एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को बेसिलस थोरे जियनसिस ये जो बैक्टीरिया है बेसिलस थोरे जियनसिस बैक्टीरिया जो डोडे कीट होता है, यानी डोडा कीट होता है कपास पर, और उस कीट को मारने में एक सक्षम बैक्टीरिया है, मैं उपलब्ध इस बैक्टीरिया में उपलब्ध विषजनक जो वंशाणु या जीन है को कपास में प्रत्यारोपित करके ऐसा बीटी कपास विकसित किया जाता है। यानी बेसिलस थोरेजियनसिस जो एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को, यानी कि इसको जो कपास का डोडिया है, डोडिये होते हैं, उस डोडिये के अंदर इस प्रकार प्रत्यारोपित किया जाता है कि ये डोडा कीट को मारने में सक्षम होता है। तो इसको जो जीन है, इसका जनक वंशाणु है, उसको कपास में प्रत्यारोपित करके बीटी कपास विकसित किया जाता है, जिससे उस कपास में डोडा कीट को मारने की आंशिक सामर्थ्य आ जाती है। यानी उस कपास के अंदर मारने के लिए, डोडा कीट को मारने के लिए एक आंशिक रूप से सामर्थ्य आ जाती है, और जिससे वह डोडा कीट को मार देता है, उस पर डोडा कीट नहीं लगता है। और ऐसा भी पंजाब और अन्य राज्यों में एक, यानी कि एकदम प्रति हेक्टर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, और ऐसा करने से, ऐसा यानी कि प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, वो पंजाब और अन्य राज्यों में किया गया, जिससे कपास के पौधे को डोडा कीट से बचाया गया और वहाँ पर अभूतपूर्व यानी कि प्रति हेक्टर उत्पादन में कपास में वृद्धि हुई है। लेकिन अभी कुछ एक वर्षों में अब ये डोडा कीट ऐसे सुपर कीट में संवर्धित हो रहा है कि वह बीटी कॉटन के इस विष को सह लेता है,
अब पंजाब में उसी कीटरोधी बीटी कपास पर हाल ही में हुआ सुपर पेस्ट रूपी मधुमक्खी का प्रकोप अत्यंत घातक सिद्ध हुआ है। तो अब इसका यानी कि जो डोडा कीट है, वो बैक्टीरिया है जो कपास पर लगता है, उन्होंने अपनी यानी कि इतनी प्रतिरोध क्षमता विकसित कर ली है कि इस बीटी कॉटन के विष को सह लेता है और जिससे उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है। और पंजाब में उसी कीटरोधी बीटी कपास पर हाल ही में एक सुपर पेस्ट रूपी सफ़ेद मधुमक्खी का प्रकोप बढ़ा है जो इस फसल के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ एक वर्षों में इसका प्रयोग यह सही स्तर पर प्रमाणित हुआ है और बीटी कॉटन जो कपास है जो जीएम फसल के रूप में विकसित हुई है और इसका प्रयोग है वो कुछ एक वर्षों में यानी पंजाब है या अन्य राज्यों के अंदर सिद्ध भी हुआ है और कपास का अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लेकिन अब इसका बीटी कॉटन का प्रयोग है वो लगभग नगण्य होने लगा है क्योंकि कपास पर जो डोडा कीट है उन्होंने इस बीटी कॉटन में जो विष होता है उसको सहने की जो क्षमता है वो विकसित कर ली है और इस विष से डोडा कीट मरता नहीं है, उल्टा एक सफ़ेद मधुमक्खी का प्रकोप बढ़ा है जो कपास के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध होने लगा है।